यस हेलो सर, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, तो हमने कुछ फ्रैक्शन कुछ भिन्न की बात की थी, जैसे कि हम बात करें 12.5%। तो 12.5% के भिन्न मैंने आपको बताया था कि इसके जो फ्रैक्शन होते हैं वो होता है 1/8। उसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई भी हम एक परसेंटेज की बात करें, 25%, 25% के फ्रैक्शन हम जानते हैं कितने होते हैं, 1/4 होते हैं। यस अनु, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, मूल संख्या। दिस इज द रियल नंबर, मूल संख्या। इसको हम 100% भी मान सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से हम इसकी बात करें तो ये भी रियल नंबर है, नीचे ये भी 100% है। तो 4 का 25% कितना है, 1 है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि किसी नंबर में उसका 12.5% जोड़ दिया जाए तो वो नंबर इतना बन जाता है, कि किसी नंबर में उसका 12.5% घटा दिया जाए तो वो नंबर ये बन जाता है। तो रियल नंबर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, रियल नंबर ज्ञात करें। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन लूँ, छोटा सा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, कि किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 900 हो जाती है। मान लीजिए एक संख्या x है, इस x में इस x का ही 12.5%, किसका, x का ही 12.5% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 900 हो जाती है। तो x ज्ञात करें, x क्या होगा, x होगा रियल नंबर, मूल संख्या होगी। तो इसका मेथड मैंने आपको शेयर किया था कि भाई 12.5% जोड़ना है ना, तो 12.5% के फ्रैक्शन निकालिए कितने होते हैं, 1/8। 12.5% के फ्रैक्शन होते हैं 1/8। यस अनु, और नीचे क्या होती है, रियल नंबर, मूल संख्या मानेंगे इसको, रियल नंबर 100% मानेंगे। तो 8 का 12.5% 1 बढ़ गया, तो 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है संख्या में, कितनी, 900। किसकी निकालनी है, मूल संख्या की, रियल नंबर की, कितना है, 8 यूनिट है। तो 9 यूनिट पता है तो 1 यूनिट निकाल सकते हो, तो 1 पता है तो 8 भी निकाल सकते हो। यस यानो, तो आंसर क्या आएगा, 800, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिए थे, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे आज, ठीक है। चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, किसी कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, तथा उसकी ऊंचाई 12.5% घटा दी जाए, ऊंचाई 12.5% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। इफ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट इज हाई इज रेडियस बाय 12 से ही 1/2%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो लंब वृत्तीय बेलन का जो वॉल्यूम है, आयतन है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि उसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच। यस आई नो,
तो रेडियस एंड हाइट, रेडियस में कितने परसेंट बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। संबंध है बड़े ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। जो रेडियस है, रेडियस बढ़ाई गई कितना परसेंट, रेडियस आपकी बढ़ाई गई भाई 20%। तो 20% के आपको फ्रैक्शन निकालने हैं, सबको आता है निकालना, 20 में 100 का भाग देके 1/5, यस या नो, 1/5। और अपोन में क्या होता है, रियल नंबर होता है। अपोन में क्या होता है भाई साहब, ये रियल नंबर है। तो पहले रेडियस कितनी थी, 5 थी, और 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, 1 बढ़ गई तो 5 से हो गई 6। क्लियर। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम हाइट की बात करें, यहां पे क्या बोला गया, हम अगर बात करें डिफरेंस ऊंचाई की, तो ऊंचाई घटी है, रेडियस इंक्रीज हुई है, तो हाइट डिक्रीज हुई है, यस या नो। तो हाइट कितना डिक्रीज हुई है, 12.5% डिक्रीज हुई है। तो 12.5% के फ्रैक्शन निकालो, 1/8। नीचे क्या होता है, नीचे होता है दोस्तों रियल नंबर, मूल संख्या। तो पहले हाइट कितनी थी, 8 थी, 8 का 12.5% 1 कम हो गई, 8 में से 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 7। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का तो स्क्वायर करना है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर करना है, ऐसे आनो। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और एच की वैल्यू कितनी है, 8, 25 को 8 से गुणा करेंगे 200 पाई आएगा। कितना आएगा मेरे पास में, 200 पाई। उसी तरीके से इसकी बात करें दोस्तों, तो यहां पे हम देखेंगे कि रेडियस कितना है हमारे पास में, रेडियस है 6। तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जैसे आनो। और 36 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को 7 से करेंगे, ये आएगा आपका 252, मतलब 252, 252 पाई आएगा। पहले 200 था, अब 252 है, कितने का बदलाव, 52 का बदलाव, 52 पाई का चेंज है। अब ये 52 पाई का चेंज किस पे निकालेंगे, रियल पे निकालेंगे, ऊपर वाले पे निकालेंगे, कैसे आनो। तो निकाल दीजिए भाई, क्या करेंगे, 52% निकालना है ना, 52 पाई अपॉन 200 पाई मल्टीप्लाई बाई 100, यस या नो। तो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 52 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 26% राइट आंसर। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, जो मेथड हमने सीखे थे रियल नंबर वाले, उन्हीं मेथड्स को लगा के सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, तैयार हो जाइए जल्दी से, स्क्रीन पे आने वाला है। जो कौन से मैंने आपको सिखाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, 1% भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन आपके सामने कि यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 15% बढ़ा दी जाए, कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, 15% बढ़ा दी जाए, तथा उसकी ऊंचाई 25% घटा दी जाए, ऊंचाई 25% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, कोई मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों, 1% भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है। बोलिए क्या बोलने वाले हो, चलिए समय समाप्त। भाई अभी हमने देखा कि लंबवर्तीय बेलन का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच, यस या नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेडियस हाइट एंड वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। अब जो रेडियस है रही, रेडियस में क्या हुआ, 15% का इंक्रीज हुआ, मतलब जो रेडियस थी दोस्तों वो इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 15% इंक्रीज हुई। तो 15% के फ्रैक्शन क्या बोलेंगे,
भी 15 में कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, 3 से कट रहा है, 5 3 है 15, 5 दूनी 10, ये बनने वाला है ना 3/20। तो दोस्तों नीचे होता है रियल नंबर, ध्यान रखना नीचे क्या होता है रियल नंबर। तो पहले रेडियस कितनी थी, 20 थी, रेडियस पहले कितनी थी हमारी 20 थी, तो 20 का 15% बढ़ गई कितनी, 3 बढ़ गई, 20 का 15% कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई रेडियस, 23 हो गई, ध्यान रखना। उसके बाद में हम अगर बात करें हाइट की, तो हाइट डिक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज हुई है हाइट हमारी, हाइट डिक्रीज हुई है 25%। तो 25% के फ्रैक्शन हम लिखेंगे, कितना होगा भाई 25% के फ्रैक्शन हमारे पास में 1/4, 1/4। नीचे क्या होता है रियल नंबर होता है, पहले हाइट थी 4, अब डिक्रीज हो गई 4 का 25% 1 डिक्रीज हो गई, मतलब कितना हो गई 3 हो गई। यस आनो, अब क्या करें, अब भाई हम पहले 20 का स्क्वायर निकालें कितना होता है 400, और 400 को एच से मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें, यस आनो 1600, तो 1600 पाई आएगा हमारे पास में, यस आनो। उसके बाद में क्या करने वाले हम नेक्स्ट में देखेंगे, 23 को 23 का स्क्वायर करेंगे और कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, यस आनो। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, यस आनो, और 3 से गुणा करिए क्या आएगा 1587 पाई, 1587 पाई, कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 13 की कमी हो रही है भाई। अगर हम देखें तो डिफरेंस आ रहा है कितने का, 390 और 10 1600, 13 पाई का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 13 पाई का डिफरेंस आप निकालोगे दोस्तों, ये आप निकालोगे किस पे, 1600 पाई पे, तो 100 पे कितना, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 20 से 20 गायब हो गई, तो क्या बोलेंगे 13/16, यस आनो, इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तो कुल मिला के बात यह है कि जो ये मेथड हमने सीखे थे उन्हीं मेथड्स के दम पे हम इस क्वेश्चन से डील कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक ये पैटर्न का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने वृत्त भी देख लिया, सर्कल भी देख लिया, वृत्त भी देख लिया है ना, उसके बाद में आयत भी देख ली, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया है। तो बस आपको ये आयतन पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसके बाद में आप इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। अब कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा एक क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने पर, या फिर ऐसे आता है कि किसी संख्या को गुणा करना था 7/8 से, लेकिन गलती से उस संख्या को हमने गुणा कर दिया 3/5 से, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, कैसे नो परसेंटेज मिस्टेक ज्ञात करें, प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए पहले हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको करना है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा अच्छे से, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है भाई, मान लीजिए एक नंबर है, उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना था 7/9 से, ये रियल है, एक नंबर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना था 7/9 से। अब नंबर नहीं पता तो कोई भी नंबर मान लेंगे, कोई भी नंबर हम मांग सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसी नंबर को हमने गलती से, जो नहीं करना था उसी नंबर को हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, मान लीजिए 9/3 से, ये नहीं करना था ये कर दिया, ये करना था ठीक है, 3/4 से गलती से गुणा कर दिया, तो आपसे पूछा गया कि बताइए परसेंटेज मिस्टेक कितनी है, प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी यहां पे, जल्दी से सोचिए,
एक नंबर था जिसको मल्टीप्लाई तो करना था 7/9 से, ये करना था, लेकिन ये कर दिया। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझना, इस बॉक्स में जो भी नंबर आएगा वो हमें मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि गिवन नहीं है। लेकिन क्या माने, 10 माने, 20 माने, 30 माने, 40 माने, क्या माने सोचो। तो क्यों ना एक ऐसा नंबर मान लिया जाए जो 9 से भी कट जाए और जो 4 से भी कट जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 9 और 4 का, हमें 9 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 36, 36 ले लें भाई, 36 में 9 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करें तो यहां पे जो रिजल्ट आ रहा था वो आता 9 × 36, 7 × 28, ये आना चाहिए था। लेकिन गलती क्या हो गई, देखो ये आ रहा है 9 × 3, 27, तो कितने का परिवर्तन हुआ रेवेन्यू में, यहां पे परिवर्तन कितना हुआ, 1 का, 1 का परिवर्तन हुआ। और 1 का परिवर्तन किस में निकालेंगे, इस 28 पे निकालेंगे, ऐसे आनो तो क्या बोलेंगे, 1/28 × 100, कैंसिल आउट हो रहा है 50 से, देन 14, देन 7, देन 25, और यहां पे आएगा 7 × 21, कितना बच गया, 4/7%, 3 सही 4/7% का रेवेन्यू चेंज आएगा यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। यहां पे ऐसा नंबर मानना है जो इन दोनों से कट जाए, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है भाई। क्वेश्चन हमारे पास में कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 6/7 के स्थान पर, 6/7 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 6/7 इंस्टेंट ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। उसको गुणा करना था 6/7 से, लेकिन भाई साहब ने गुणा कर दिया 3/5 से। जितने भी लोग क्लासेस ले रहे हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है भाई। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या बोलेंगे, समय समाप्त होने वाला, जल्दी से बताइए। चलिए समय समाप्त हो गया, तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, कि एक संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना था 6/7 से। भाई मल्टीप्लाई करना था 6/7 से, ये राइट है, ध्यान रखना है, कोई भी हो सकती हो संख्या, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो
तो इसका मतलब वो जो भी नंबर होगा वो सात और पांच दोनों से कटेगा, सात और पांच का एलसीएम होगा कितना होता है, पैंतीस होता है। एलसीएम निकालने का तरीका शॉर्टकट मैं बता देता हूं क्या करना है भाई, पांच और सात का एलसीएम निकालना है ना, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोला करो, सात एकम सात दोनों का भाग जाना चाहिए, सात एकम सात, सात में पांच का भाग नहीं जाता, सात में चौदह में नहीं जाता, सात इक्कीस में नहीं जाता, सातों का अट्ठाईस में जाता, सातों पैंतीस में जाता है, तो उसका एलसीएम क्या हो गया, पैंतीस हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, सात पंचो पैंतीस, छह पंचो तीस, ये राइट था लेकिन ये गलत कर दिया इसने, सात्य इक्कीस कर दिया, तो राइट तीस था रॉन्ग इक्कीस, कितने का चेंज, नौ का चेंज। और इस नौ का चेंज किसमें निकालेंगे, रियल पे निकालते हैं, थर्टी पे निकालते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, हंड्रेड से, जीरो से, जीरो गया तीन से कट रहा है तो कितना आ गया, थर्टी परसेंट। कितने परसेंट का चेंज होगा यहां पे रेवेन्यू में, 30% का बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से इस तरीके से डील कर सकते हैं, बस ये एक नंबर ऐसा लेना है जो दोनों से कट जाए, मतलब इनका एलसीएम, ठीक है। चलिए अब काफी बार कुछ चीनी की रेट में इंक्रीज हो जाता है तो घर की जो खपत होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें हमें डिक्रीज करना होता है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं, जैसे अनु और आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। सही क्वेश्चन हमारे पास में, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपसे बोला गया कि चीनी का दाम 14 से ही 2/7% बढ़ जाता है, चीनी का जो दाम है वो बढ़ रहा है 14 से ही 2/7% इंक्रीज हो रहा है दाम, तथा परिवार की जो खपत है वो 10% डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 14/7% एंड कंजप्शन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज एक्सपेंडिचर। तो उनके कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है भाई, ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ट्राई जरूर करना है। यस, रेट और एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात हो रही है, खपत की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव है ना, हाँ। तो आइए, तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट कितने परसेंट इंक्रीज हुई चीनी की, 14 से ही 2/7%, ठीक है। तो जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, और जो एक्सपेंडिचर है, जो खपत है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो रेट की बात करें तो रेट कितना इंक्रीज हो रही है, 14 से ही 2/7%। अब ये तो कोई फ्रैक्शन पता होने चाहिए, 14 से ही 2/7% के फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 होता है, होता है कि नहीं होता है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि नीचे जो भी होगा वो रियल नंबर होगा। तो पहले रेट 7 थी, 7 का 14 से ही 2/7% एक, कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 7 से 8 हो गई, सिंपल। अब जो खपत है, एक्सपेंडिचर है दोस्तों, खपत कितने परसेंट डिक्रीज की, 10%। 10% के फ्रैक्शन 1/10, पहले कितनी खपत होती थी, 10 होती थी, नीचे रियल नंबर है, पहले खपत 10 होती थी लेकिन रेट इंक्रीज हो गई, तो 10% एक कम करनी पड़ी, तो पहले 10 होती थी, 10 में से एक कम कर दी, तो कितनी हो रही है अब खर्च, 9 हो रही है, ठीक है। तो पहले कितना आ रहा था, 70 टोटल, और अब कितना आ रहा है, 72। कितने का परिवर्तन, 2 का परिवर्तन। अब इस 2 का परिवर्तन, जो 2 का चेंजेस है, किस पे निकालेंगे, रियल पे निकालेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस या नो,
तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो रहा है ये 2 से 35, यस या नो? और 35 से हम इस मल्टीप्लाई से करेंगे, 5 से काटेंगे 7, 5 दूनी 10, 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, उसके बाद में कितना बचेगा 6/7%। दो सही 6/7% बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जो मेथड मैंने आपको सिखाए उन्हीं मेथड की दम पे इन क्वेश्चंस को आप डील कर पा रहे हैं। बस ध्यान रखना जहां पे इंक्रीज होता है वहां पे ऊपर वाली वैल्यू ऐड होती है, और जहां पे डिक्रीज होता है वहां पे ऊपर वाली वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम काफी चीजों को आगे भी करेंगे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं आपके लिए, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज्यादा चेंजेस नहीं है। चीनी के दाम में चीनी के दाम को 40% बढ़ जाता है, चीनी का दाम 40% बढ़ जाता है तथा परिवार की जो खपत है, परिवार की खपत 30% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। फटाफट से, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को सभी लोग करें बिना मिस्टेक के। जो खपत है वो 30% कम कर दी और जो दाम है वो 40% इंक्रीज हो गए चीनी के, जल्दी से क्या बोलेंगे इसका आंसर, फटाफट से 20 से 30 सेकंड मुड़ा दीजिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो दाम है इंक्रीज हो रहे हैं कितने 40%, 40% के फ्रैक्शन क्या होंगे 2/5 होगा, नीचे क्या होता है रियल नंबर मूल संख्या। तो पहले दाम 5 थे, पहले दाम 5 थे, 5 का 40% 2 बढ़ गए, कितने हो गए दाम 7 हो गए। तो परिवार की जो खपत है एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गई कम हो गई, कितने परसेंट कम हो गई 30% कम हो गई, 30% के फ्रैक्शन क्या बोलेंगे 3/10, नीचे क्या होता है रियल नंबर, पहले कितना खर्च हो रहा था 10 खर्च हो रहा था, तो 10 का 30% 3 कम हो गया, तो 10 में से 3 कम करेंगे कितना हो गया 7 हो गया, टोटल निकालेंगे कितना आएगा 50 और यहां पे कितना आएगा 49। यस या नो? कितने का चेंज हुआ 1 का चेंज हुआ, और 1 का चेंज किस पे निकालेंगे 50 पे निकालेंगे, तो 100 पे कितना, यस या नो? 0 से 0 गया, 5 दुनी 10, तो क्या बोलेंगे 2%, परफेक्टली राइट आंसर। जिसका भी 2% आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज हमने 4-5 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं आप अच्छे से नोट कर लिया करें उसको, जिससे कि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो, एग्जाम पास में है। ठीक है, तो टारगेट बनाइए फटाफट से अपना, जो भी वीक पोर्शन उसको क्लियर कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत हो गया है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।